क्यों ना हम लाइव आ जाएं, तो और हम आ गए हैं, तो देखते हैं जी कितने लोगों से बात हो सकती है। मैं अनाउंस करके आता तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लोग लुक फॉरवर्ड करते, और फिर सीन कुछ और हो जाता, तो मैंने कहा कि बेहतर है कि हम बगैर बताए आएँ और आके देखते हैं कि क्या सीन है। तो अगर मैं स्लो हो जाऊं या मेरी तबीयत थोड़ी ऑफ है क्योंकि, तो अगर मैं ज़रा स्लो स्लो जवाब दूं तो बुरा मत मानिएगा। आई ट्राई टू कैच अप विद एवरीबडी। माशाल्लाह ऑलरेडी कोई 700 से ऊपर लोग आ गए हैं। सो हाउ इज़ एवरीबडी डूइंग? बड़ा अच्छा लग रहा है बाहर आके। जो साहब कह रहे हैं कि फ़िल्टर हटा दो, देखो फ़िल्टर अगर मैंने हटा दिया तो मैं देखने लायक नहीं रहूँगा, इतने बुरे हालात हुए हैं मेरे भाई। सो इस वजह से फ़िल्टर ने मेकअप के पैसे बचा लिए, समझा करो बात। गुड टू सी यू फैजान भाई, थैंक यू, लव फ्रॉम इंडिया, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू फॉर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग दी अराइवल ऑफ पाकिस्तानी टीम इन इंडिया, थैंक यू वेरी मच। बड़ा अच्छा ज़बरदस्त हमें वहाँ पे अराइवल मिला है, और देखते हैं कि जी आगे क्या चलता है। उम्मीद तो है कि पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी गई है, थैंक यू। और ये देख रहे हैं आप, इस बोतल को पहचानते हैं आप? जी हाँ, तमाशा वाली बोतल मेरे साथ मौजूद है। फैजान शेख भी पीछे लिखा हुआ है। अच्छा जी, क्या हाल चाल है सबके, कैसे हैं सब? और यार बेहतर ये होगा कि हम अपनी बातें करें, तमाशा की बातें, बस तमाशा ख़त्म हो गया, आगे चलें। अभी तक मैंने देखा है लोग अभी तक तमाशा पे फंसे हुए हैं, तमाशा के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ हमारे कंटेस्टेंट भी पुरानी बातें कर रहे हैं। लेट इट गो यार, हो गया, बस ये गेम था, सबने खेला, कोई जीता कोई हारा, इट्स ऑल राइट, आगे चलें। और जितनी स्पीड से ऊपर जा रहे हैं नाम, मैं सबके मैसेजेस नहीं पढ़ सकता वाकई में, लेकिन लोग कह रहे हैं मिसिंग तमाशा, जो जो पढ़ सकता हूँ पढ़ लेता हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है फैजान भाई, खुशी हुई आपको देखकर, थैंक यू। उसके बाद लोग कह रहे हैं मास्टरमाइंड, एक साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कोई कह रहा है पप्पो, आओ बेटा आपको पप्पो वाला प्यार दूं मैं, आ जाओ, अगर आपकी पप्पो नहीं है मेरी तरह तो इट्स ऑल राइट। वी आर मिसिंग तमाशा, आई नो, एशिया कप टाइम फैजान भाई को मिस किया। हाँ यार, मैंने तो पूरा एशिया कप देखा ही नहीं है, आई डोंट नो एशिया कप में क्या हो रहा है, अंदर भी हम पूछते रहे लेकिन किसी ने एशिया कप के बारे में हमें बताया नहीं। ऑल दो वसीम अकरम साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि हम आपको एशिया कप देखने का मौका देंगे, लेकिन उस दिन सुना हमने कि बारिश हो गई, मैच नहीं देख सके। अच्छा, नाइस चेन, थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। ये चेन मैंने थ्रू आउट द तमाशा भी पहनी थी। और अब आगे लोग पूछ रहे हैं आगे आप क्या कर रहे हैं, वेरी गुड, ये अच्छा सवाल है। तो आगे जी, बहुत जल्द आप मुझे एक और ARY के शो में देखने वाले हैं, जिसका नाम है द फोर्थ अम्पायर, और वो वर्ल्ड कप के हवाले से होगा शो। हमने PSL में किया था, जिसके होस्ट थे हमारे बहुत ही पसंदीदा, आप सबके बहुत ही पसंदीदा फहद भाई, यानी कि फहद मुस्तफ़ा, और वो ही इसको दोबारा होस्ट करेंगे इंशाल्लाह 5th October से। लाइव हम आपसे मुलाकात करेंगे ARY डिजिटल पे रात 10 बजे, सो इट बी अ लॉट ऑफ फन। अच्छा भाई, यू आर सो पॉजिटिव, थैंक यू। लोगों की बातों में परेशान नहीं होना, मैं बिल्कुल परेशान नहीं होता यार, मैं जब से बाहर आया हूँ मैंने कोई एपिसोड नहीं देखा, कोई क्लिप नहीं देखी, किसी की कोई बात नहीं सुनी, सो आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट। जो लोग अभी भी जाके पीछे चीज़ें देख रहे हैं, आई डोंट नो क्यों देख रहे हैं, आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, ना मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ, शो ख़त्म हो चुका है, आगे चलें, मज़ा आएगा। ओ वी इन्जॉयड बाबू भैया, बिल्कुल बाबू भैया थे फोर्थ अम्पायर शो में, और उसकी थोड़ी सी आपने झलक हमारे तमाशा घर में भी देखी थी, हमने थोड़ा सा बाबू भैया बन के दिखाया था वहाँ पे। तो देखते हैं कि इस दफ़ा हम क्या करते हैं, आज के क्या प्लान्स हैं, चिल प्लान्स हैं जी, हम सिर्फ रेस्ट कर रहे हैं, बॉडी भी थकी हुई है, थोड़ा बुखार था रात भर, और आज दिन में भी थोड़ी सी थकन थी, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा रेस्ट करके इसको ख़त्म करें। रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, जब आप 50 दिन काम करके आएँ तो ज़रूरी होता है कि आप थोड़ा सा रेस्ट करें। अच्छा आप लोग बताएं जी क्या चल रहा है, रेडी स्टडी गो मिसिंग सीरीज, हाँ यार लोगों ने बहुत पसंद किया रेडी स्टडी गो, थैंक यू वेरी मच। आप अल्टीमेट मुकाबला में जाएं भाई, मैं अल्टीमेट मुकाबला में नहीं जा सकता, वहाँ बड़ी फिटनेस चाहिए होती है। जुनेद गया था, जुनेद ने मुझे बताया कि वहाँ कितना मुश्किल होता है, कितनी मुश्किल टास्क होती हैं। अलबत्ता उमर शहजाद जाएंगे अगले साल, तो आई एम श्योर, आई विल लुक फॉरवर्ड टू इट, बिकॉज उमर शहजाद एक ज़बरदस्त फिट आदमी है, सो आई होप कि उमर वहाँ जाएँ और जीत के आएँ। जुनेद को लाइव लें भाई, जुनेद को लाइव लेने के लिए जुनेद का यहाँ होना ज़रूरी है, जुनेद इस वक्त यहाँ अवेलेबल नहीं है,
अगर वो होंगे तो हम जुनीद को जरूर लाइव लेंगे। मज़ेदार शो को दोबारा कंटिन्यू करें। यार अब तो कंटिन्यू नहीं हो सकता क्योंकि हमारे साथ उनका एक कॉन्ट्रैक्ट था और वो खत्म हो गया, तो अब हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। मिसिंग सलाम जिंदगी, थैंक यू जी, हम भी बहुत मिस करते हैं सलाम जिंदगी को। गर्मी इतनी लगती है बाहर आके क्योंकि तमाशा हाउस में इतनी सर्दी होती थी कि लग रहा है कि नॉर्वे से पाकिस्तान आ गए हैं और बहुत ही ज़्यादा पानी शानी पीना पड़ता है। अपनी बेटी दिखा दें। अल्लाह जी ताहा हुमायूं को भी कह रहे हैं कि मेरा नाम लें। ताहा हुमायूं आपका मैं ज़रूर नाम लूँगा, आप आए मुझसे मिल लें। मैच खेलने नहीं गए आप? नहीं भाई, मैच खेलने की फिटनेस नहीं है इस वक्त। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लाइव, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं इस लाइव के तवस्सुत से उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने लगातार मुझे सपोर्ट किया है, मेरे लिए एडिट्स बनाए हैं, मेरे लिए पिक्चर्स पोस्ट की हैं, मेरे लिए बहुत अच्छी एडिट्स बनाई हैं, पिक्चर्स को एडिट किया है, हर चीज़ को पोस्ट करते रहे हैं थ्रू आउट तमाशा। इट वॉज एंड ईजी आई एम श्योर। और अभी फिनाले के बाद से जिस तरह से लोगों ने मुझे प्यार दिया है, आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया, ख़ास तौर पर मेरे फ़ैन क्लब्स का। जब मैं बाहर आया हूँ तो मुझे पता चला कि 2-3 फ़ैन क्लब्स और बन गए हैं। हर एक फ़ैन क्लब का बेहद शुक्रिया जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया। थैंक यू सो मच गाइस, आई ओ दिस टू यू ऑल। और यही मेरी असल जीत है। बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया, बहुत सारे लोगों ने गालियाँ भी दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जिन्होंने गालियाँ दी उन्होंने अपना टाइम ज़ाया किया क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। सो लेकिन जितने लोगों ने प्यार दिया, थैंक यू वेरी मच। और इंसान को हमेशा आगे देखना चाहिए, पीछे मुड़ के देखने का कोई फ़ायदा है नहीं। शो ख़त्म हो चुका है, हम आगे आ गए हैं, आगे चलते हैं, मज़ा आएगा। मुझे पूरी दुनिया से मैसेजेस आए हुए थे, कैनेडा, यूके, यूएस, क्या कहते हैं, सऊदीया, दुबई, पता नहीं कहाँ कहाँ से, इंडिया से इतने मैसेजेस आए हुए थे। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। आप लोगों की वजह से इतना प्यार मिला, इतने सारे लोगों से मैं मिल सका, बातचीत हो सकी। सो थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करते हैं कि अब जो आने वाला शो है उसको भी आप उतना ही प्यार देंगे, फोर्थ अंपायर शो। और उसमें फहद भाई, जो आप लोगों को ऑलरेडी इतने पसंद हैं, वो हमारे मेन होस्ट होंगे और उसमें हम एक सेगमेंट करेंगे क्रिकेट से। आप लोग जानते हैं कि मेरा कितना ताल्लुक है, मुझे कितना शौक है क्रिकेट खेलने का, देखने का। तो हम पूरे वर्ल्ड कप में आपके साथ होंगे और हम क्रिकेट को बहुत सारा इन्जॉय करेंगे। ओके, आंसर माई क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आंसर योर क्वेश्चन करूँगा ना रयान, क्वेश्चन तो पूछो पहले। हेलो जी, हेलो हेलो फैजान भाई, सेम आई नेम। यार ये सेम आई नेम वाला काम नहीं शुरू करो, इतने लोग हैं, अगर सबका नाम लेना शुरू किया तो बात इसी में ख़त्म हो जाएगी। आदि भाई की शादी कब है? देखो यार, आदि भाई की शादी जो है ना, वो उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह बहुत दूर नहीं है, लेकिन क़यामत से पहले पहले हम करवा देंगे, जो कि उससे पहले तो मुश्किल ही लग रहा है।